दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं होने वाली। एक अजीब सी खबर है, शीरो की जो बॉडी है ना उसमें पूरी बॉडी में दाने दाने हो गए थे, अभी हैं इनफेक्ट, और घाव जैसा हो रहा है। आई थिंक स्किन इन्फेक्शन हो गया है शीरो को। तो मैं अभी जा रहा हूँ शीरो को ले करके वेट के पास। आई होप सब ठीक हो जाए। चल शीरो का वॉक करा दे रहा हूँ, बदमाशी लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। कम शीरो, शीरो कम, गुड बॉय गुड बॉय। बहुत टेंशन हो रही है। मैं और शीरो जा रहे हैं वेट के पास। विशाखा अभी आ नहीं पाई क्योंकि ऑफिस का काम था, तो मैं अकेले ही लेके जा रहा हूँ। आई होप सब ठीक हो, डर लग रहा है। बट अश्योर शीरो देखिए किसको देख के रिएक्ट कर रहा हूँ। शीरो का देखिए, शीरो वो कौन है? थक रहे हो? शीरो कम, नो बदमाशी नहीं। वेट सर आ गए हैं, आई होप सब ठीक हो जाए। क्यूटी पाई। तो दोस्तों वेट को दिखा दिए हैं और उन्होंने कहा है, एक सेकेंड, एक घंटा दिखा रहे हैं यहाँ से घर, बाप रे बाप, सॉल्ट लेक से। ऐसा क्यों 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 लगता है ये घूम के अलग रास्ता दिखा रहे हैं। एनीवेज तो डॉक्टर बोला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स दिया है शीरो को और एक स्प्रे दिया है, पुचकिन पुचकिन बोल के पता नहीं क्या है। दैट आई विल लेट यू ऑल नो वंस आई रीच होम। तो अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है इसको, नहीं मुझे। टेंशन और स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया था मेरा कि क्या बताऊँ। पर शीरो, शीरो क्या देख रहा है? तो चलो दोस्तों घर चलते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर बोला टेंशन मत लो आप लोग, गर्मियों में होता ही है ये, दैट्स फाइन, डोंट पैनिक लाइक अस। प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों, और ये कुछ दवाइयां हैं। ये जो है खाना खाने के बाद दो टैबलेट, तो ये एक कोर्स करना होगा, और ये खाना खाने से पहले खाना होगा। तो ये दवाई खाना खाने से पहले, और ये दवाई खाना खाने के बाद। तो हो गई। और ये पुचकिन दिया हुआ है जो कि 3 बार स्प्रे करना है, सुबह दोपहर और शाम को। इससे हमारा हीरो द शीरो के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। शीरो शेक हैंड।
शीरो शेक हैंड, ट्रीट खाएगा ये लालची। क्या देख रहा है शीरो? तो दोस्तों 15 दिन का कोर्स चलेगा शीरो का, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और ये चीटिंग खा लिया, वेरी गुड। तो दोस्तों दिस इज हाउ वी स्लीप, विशाखा, शीरो और मैं। हाँ चलो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं।